में हमको आज धन्नों की बहुत ज़्यादा याद आ गई, यार मेरे इमोशंस जुड़े थे तो थोड़ा सा रोना आ गया था, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, उसी चक्कर में इमोशनल हो गया। बहुत याद आ रही है आज मेरे को मेरी गाड़ी की पुरानी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। गाइस कैसे हो आप सारे, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे होंगे। तो गाइस आपने कल देखा कि दीदी के ऊपर लोन कराई थी बट वो लोन पास नहीं हुई, तो आज फाइनल रिजेक्ट बता दिया उन्होंने कि ये लोन नहीं होगी, आपको कोई बॉयज़ के डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, गर्ल्स पे नहीं होगी क्योंकि गर्ल्स तो स्पोर्ट बाइक चलाती थी। पता नहीं बैंक की क्या पॉलिसी बता रहा था, मैंने बोला मुझे नहीं आइडिया है बट मैं डॉक्यूमेंट का सेटिंग करके आपको बताता हूँ, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट की सेटिंग के लिए जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक ये भी बोला पर्सनल लोन कर लेते हैं, हम पर्सनल लोन 2 लाख की ले लेंगे, 2 लाख की गाड़ी है तो केस 2 लाख दे देंगे वहाँ पर, देन हम लेके आ जाएंगे गाड़ी को, बट ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस, बहुत इशूज हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं सब संभाल लेंगे, कुछ अच्छी चीज़ करने जाए और प्रॉब्लम ना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो गाइस ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं। तो अभी सीधा हम चलते बाहर, बाहर जाके आरिफ भाई को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड का डॉक्यूमेंट है उससे पूछ लेता हूँ, तो अभी चलो चलते बाहर आरिफ भाई पास। और हाँ गाइस, आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं मेरी दीदी की सुबह सुबह जाकर गाड़ी लेके आया हूँ। कौन सी गाड़ी है वो आपको मैं बताता हूँ, आपने कभी वो गाड़ी देखी नहीं होगी क्योंकि मैं आज तक वो गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि वो मेरी दीदी अलग रहते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली न्यू ली है, वो XS ही है बट अलग कलर की है, आपने कभी नहीं देखी होगी। तो गाइस वो गाड़ी भी दिखाता हूँ और चलते सीधा आरिफ के पास, वो कोई डॉक्यूमेंट का बोल रहा है, डॉक्यूमेंट का सेटिंग हो जाए तो अच्छी बात है, तभी तो बाहर चल रहे गाइस, और मैं कुछ भी करके गाड़ी लाऊंगा, गाड़ी आ जाएगी, टेंशन नहीं लो, तुम्हारे भाई की पूरी मेहनत और कोशिश है, चलो बाहर चलते गाइस। सो गाइस वो ये गाड़ी है, कभी चलती नहीं है, देखो कितनी धूल खा रही है, तो हम इसको साफ कर देते पहले। अभी गाइस ठीक ठाक हालत लग रही है इसकी, तो चलो इसको लेके निकलते। तो पहले दरवाजा लॉक कर दो क्योंकि मम्मी घर पे है नहीं, तो लॉक करना इम्पोर्टेंट है। गाइस घर लोग हो चुका है, चलो चलते हमारी गाड़ी लेके, लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम यामा के शोरूम पे आए, मैं गया वहाँ पे डॉक्यूमेंट का सेटिंग नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था मेरा फाइनेंस वाला ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे शोरूम पे फाइनेंस करवाता हूँ, तो ये शोरूम पे आए यामा के, तो देखते हैं यहाँ पर अभी तो कोई अंदर है नहीं, जैसे ही कोई आता है हम अंदर लोन पास करवाने की ट्राई करेंगे, पास हो जाए तो अच्छी बात है। तो गाइस पहले अभी चलते शोरूम। तो अभी हम शोरूम में एंटर हो चुके, कोई है नहीं अंदर। गाइज अभी यामा के शोरूम में एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर सब गाड़ियाँ पड़ी है, देखो R15 है, फसिनो है, बहुत सारी गाड़ी है, बट हमको जो लेनी है वो है यहाँ पर मैं बताऊँगा नहीं आपको, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे। तो अभी कोई है नहीं, देखो काउंटर पर भी कोई बैठा नहीं है यामा के, जैसे ही सब आएंगे ऐसे ही हम लोन पास कराने की ट्राई करेंगे। गाइज गाड़ी लेनी है मेरे को, मुझे लग रहा था कि मेरा फाइनेंस वाला ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिससे हम लोन पास करा रहे थे, सही से रिप्लाई नहीं, सही से जॉब नहीं, तो मैंने सोचा कि जाता हूँ मेरे घर के पास ही, ये थोड़ा ही दूर है, तो ये शोरूम पे आया मैं बात करूँ, यहाँ पर जो गाड़ी लेनी है उसकी बुकिंग हो जाए, मम्मी के डॉक्यूमेंट सारे लेके आया, मम्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको कॉल कर दूंगा, वो आ जाएंगे इधर। बट अभी गाइज हम आए शोरूम पे, देखो क्या होता है, जैसे ही कोई भाई आएंगे, अभी तो वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है लंच होगा ना, दोपहर का लंच तो सब गए होंगे, बट अभी तो कोई है नहीं, जैसे ही कोई आएगा ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है, क्या होगा, लोन पास होगी नहीं होगी, जो भी होगा मैं सब बताऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर गाड़ी देख रहा हूँ, अच्छी अच्छी गाड़ी है, यानी भारी पड़ी है ये बड़ी, तो बस गाइस अभी जैसे ही कोई आएगा ऐसे ही हम गाड़ी की लोन कराएंगे। तो गाइस मैं सारी प्रोसेस समझ के शोरूम से बाहर निकला, अब मुझे समझ आया कि मेरा जो फाइनेंस वाला था ना वही फालतू की चीज़ें बोल रहा था कि हो जाएगा बट उन्होंने कोई प्रोसेस करी नहीं। अब मेरे को समझ आया कि लेडीज़ के ऊपर अगर अपने लोन कराते ना गाइस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन की अप्रूवल आएगी 1 लाख रुपए, और बॉयज़ पे कराते ना तो 2 लाख रुपए अप्रूवल आएगी, तो ऐसा सीन है, डी पी ज़्यादा आएगी बट गाड़ी आ जाएगी। तो मैं घर जा रहा हूँ मम्मी से बात करने, उनसे बात करके पता चलेगा, अगर वो हाफ पेमेंट दे रहे हैं, हाफ पेमेंट मैं दे रहा हूँ, तो गाड़ी आज ही बुक हो जाएगी। बट देखो अभी जाकर मम्मी से बात करते क्या सीन है, क्या है सब कुछ मैं बात करके गाइस आपको फाइनल बता दूंगा, उसके लिए मेरे घर पहुंचना पड़ेगा हमको, तो मैं घर जाता हूँ। पर गाइस हाँ अब मेरे को पूरी प्रोसेस दिमाग में बैठ गई कि करना क्या है, तो अभी मैं घर पहुंचता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, लेट्स गो गाइस। सो गाइस फाइनली अभी घर आ चुके, मम्मी से डिस्कस करना है बट सो रहे मम्मी, बिकॉज उनकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो सो रहे, अभी उठेंगे ऐसे डिस्कस करके क्या सीन होता है, क्या प्रोसेस होती है सब चेक कर लेंगे हम। बट मम्मी से पहले जब तक बात नहीं होगी मैं कुछ बोल नहीं सकता आपको भी, तो मम्मी से कंफर्मेशन लेते ही मैं आपको बोलूँगा गाइस कि हाँ ये है, डिलीवरी कब की, बुकिंग कब की, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा।
बट पहले मम्मी उठे उनसे डिस्कस करूँ, ध्यान मैं आपसे बात करूंगा गाइज। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइज, एक गाड़ी के लिए मैं इतना थक गया हूँ, मैं कंटाल गया, बोर हो गया, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। बट अभी सब कुछ समझ आ रहा है मेरे को, अब क्या करना है मेरे को आगे, तो अब जो होगा वो सब खतरनाक होने वाला है। तो बस बुकिंग डिलीवरी सब कुछ होने वाली है, थोड़ा टाइम वेट कर लो, तो हो जाएगा गाइस, एक दो दिन के वेट में सब कुछ हो जाएगा, डिलीवरी बुकिंग सब कुछ। बट अभी मम्मी उठेंगे तो आज प्रोसेस के लिए जाके, अगर आज बुकिंग हो गई आज ही डिलीवरी हो गई ये भी हो सकता है, बट अभी मम्मी उठे तो पता चलेगा गाइस, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर हम लाएंगे न्यू गाड़ी, और कौन सी होगी वो आप गेस करते रहो, कुछ लोगों ने कमेंट्स में सही भी बताया था बट मैं फाइनल जवाब नहीं दूंगा उनका, तो आप गेस करते रहो, जिस दिन गाड़ी आएगी आपको पता तो चली जाएगी कौन सी गाड़ी हो। तो अभी मम्मी उठते उनसे डिस्कस करता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ गाइस क्या डिस्कस हुआ है हमारे बीच में। सो गाइस मम्मी से डिस्कस हो गया और हमको आज धन्नो की बहुत ज़्यादा याद आ गई, क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़े थे तो थोड़ा सा रोना आ गया था, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं। तो अभी फ्रेश होके मैंने मम्मी से बात कर ली, मम्मी बाहर गए हैं किसी काम से, तो मैं ऐसे ही बैठा था, अकेला बैठा था घर में, गाड़ी भी नहीं है मेरे पास, तो मैं घर में ही बैठा था, मैंने कोई फ्रेंड को कॉल भी नहीं किया, मुझे पता है सब अपने अपने काम में बिजी होंगे इसलिए मैं बाहर नहीं गया, मैं बैठा था घर में, बैठ के सोच रहा था काश मेरी गाड़ी मेरे पास होती। उसी चक्कर में इमोशनल हो गया, फिर मेरे कुछ फोटोज थे वो गाड़ी के साथ, तो वो देख रहा था मैं, पहले के बहुत पुराने फोटोज थे वो सब देख रहा था, मैं कैसी मस्ती करता था, ये वो गाड़ी पे कहाँ जाता था, वो सब व्लॉग्स देख रहा था पुराने, बहुत कुछ देखा, क्योंकि मम्मी से डिसाइड हो गया। तो मम्मी ने बोला कल जाके गाड़ी बुक करा लेते तो कल बुक हो जाएगी इंशाल्लाह, बट देखो अब आगे क्या होता है, कल किसने देखा, कल हो ही जाएगी, फाइनल हो जाएगी 100%, क्योंकि सब कुछ हो गया, सेटिंग बात बात कर ली, सब कुछ हो गया, तो कल फाइनल बुक हो जाएगी गाइस। आज इतना इमोशनल हो गया ना मैं गाड़ी को देख देख के, ऐसा लग रहा था यार क्या चले गया मेरे पास से, बट कोई नहीं गाइस, आज के व्लॉग में पूरा दिन मैंने यही करा, इधर भागा डॉक्यूमेंट के लिए, उधर भागा डॉक्यूमेंट के लिए, किसी के भरोसे बैठा था, वो फाइनेंस वाले के भरोसे बैठा था, इसलिए मैं इतना नहीं कर रहा था, बट जब मुझे समझ आया कि नहीं फाइनेंस वाला ध्यान नहीं दे रहा मेरे ऊपर ज़्यादा, फिर मैंने खुद गया यामा के शोरूम, आपके सामने जो जो मैंने बात की वो सब आके मम्मी को बताया, मम्मी से डिस्कस करा हमने, मम्मी ने बोला ठीक है कल जाके बुक करा लेना गाड़ी, ये वो बहुत सारी बात हुई। फिर अचानक से मम्मी बोले मैं काम पता के आती होंगी, जब तक देख तू सोच क्या करना है तेरे, तो मैंने बोला हाँ मम्मी यही गाड़ी लेना, मम्मी क्या बोल रही कि कोई और गाड़ी ले ले बेटा, बट मेरे को वही गाड़ी लेनी है, मम्मी बोल रहे थोड़ी सी कोई सस्ती पड़ती हो 1-1.5 लाख की वो गाड़ी ले ले, बोले इतनी महंगी लेने की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने मम्मी को समझाया मम्मी इस काम से मेरे को लेनी है, मम्मी ने बोला ठीक है चल कल जाके बुक करा लेंगे। फिर मम्मी चले गए, फिर मैं बैठा था घर में, तो मैं ऐसे ही पुराने ब्लॉग्स देख रहा था, पुराने फोटोज देख रहा था, तो उसमें गाड़ी इतनी बार दिखी ना, इमोशनल हो गया थोड़ा मैं, बट कोई नहीं गाइस होता रहता है। तो आज के ब्लॉग में कुछ था नहीं गाइस, बस यही बताना था मेरे को, मैं डेली प्रोसेस आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, गाड़ी के लिए कितना भागना पड़ता है, और जो भाइयों ने लोन पे ली होगी कुछ भी चीज़ ली होगी लोन पे, जो हर मंथली उनकी किस्तें भरते होंगे उनको पता होगा कि लोन जब करानी होती है और अमाउंट बड़ा होता है तो बहुत ही तकलीफ होती है। आप में से बहुत लोगों ने लोन पे कुछ चीज़ खरीदी भी होगी, आपको पता है कि लोन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरी गाड़ी तो 2.5 लाख रुपए की गाइस, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई नहीं गाइस, आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया था, बस यही बताना था मेरे को कि क्या प्रोसेस करता हूँ मैं, सब प्रोसेस आपको दिखा दी, मैंने मम्मी से डिस्कस कर लिया, मम्मी ने बोला ठीक है बेटा कल जाके ले लेंगे। गाइस कोई बात नहीं, कल जाके गाड़ी बुक करा लेंगे हम, फाइनली मैं खुश बहुत हूँ कि मेरी नवी गाड़ी आ रही है, बट अंदर से सैड भी बहुत हूँ कि मेरी पुरानी गाड़ी चली गई सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, बट कोई नहीं गाइस हो जाएगा ठीक। मैं चाहता था वो गाड़ी मेरी आंख के सामने रहे, तो इसलिए मैंने बहुत सारे फ्रेंड से भी पूछा कि तुम ले लो तो मेरे सामने रहेगी गाड़ी मुझे अच्छा लगेगा, बट कोई लेने के लिए रेडी नहीं था, और सबके पास ऑलरेडी 2-2, 3-3 गाड़ी है, तो कोई नहीं ली, इसलिए गाइस मुझे बेचनी पड़ी किसी और को, बुरा लग रहा है पता नहीं, बट कोई नहीं गाइस, चलो मिलते कल के व्लॉग में, कल गाड़ी बुक हो जाएगी हमारी फाइनल, तो कल बुक होते ही आपको मैं गाड़ी का नाम बता दूंगा, शायद तक कल बुक हो गई ना ऐसे ही मैं आपको नाम बता दूंगा, बताऊँ या नहीं ये सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सरप्राइज ही रहने दो, डायरेक्ट मैं उस दिन ही बताऊंगा जिस दिन गाड़ी पूरी घर आ जाएगी गेट पे हमारे, उसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी ये वाली है और इसका ये नाम है, तो आप अभी गेस करते रहो, बहुत लोगों ने R15, बहुत लोगों ने MT15, बहुत लोगों ने फसीनो, बहुत लोगों ने FZ5, बहुत सारी गाड़ियों के नाम बताए,
बट इनमें से कोई एक है, बट कौन सी है वो मैं बताऊंगा नहीं फाइनल, वो आने बाद ही आपको पता चलेगी गाइस। तो डेली व्लॉग डेली रूटीन को नोटिस करते रहो, सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे इंट में। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड बहुत याद आ रही है आज मेरे को मेरी गाड़ी की पुरानी। मिलते हैं कल के व्लॉग में गाइस, बाय।